हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक 4 वोल्ट का एक सोल्डर आयरन बना के दिखाने वाला हूँ जो 4 वोल्ट पे वर्क करेगा। देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। आप ये इसका ये कॉपर का तार है, ये ले सकते हो बिट बनाने के लिए। थोड़ा इसे आप थोड़ा मोटा ही लीजिए, अच्छा रहेगा। और आपको एक चाहिए स्लियो जो आपको सेपल बल्ब के अंदर मिल जाएगा। ये दोस्तों, आप इस ये जो बिट बना रहे हो इसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। जितना मोटा आपका बिट है उतना ही मोटा आपको ये लेना पड़ेगा। ये देख लेना आप, इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए, बस इतना ही करना आपको। ये है नाइक्रोम वायर जो आपको रेजिस्टेंस के अंदर, एलिमेंट के अंदर, हीटिंग एलिमेंट, ये कुछ ऐसे ऐसे जो कंपोनेंट है उनके अंदर मिल जाएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप इसको कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो या आप रेजिस्टेंस के अंदर निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। मैं आपका एक वीडियो बना के दे दूंगा इस पर। चलो हम इसका एक सोल्डर आयरन बनाते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी आप यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ ये बनाने का। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से आयरन बनाने के लिए। मैं इस तरह से इसको लगाने वाला हूँ इसके अंदर। ये मैंने इसको बिठा लिया अंदर की, और ये आप इसमें छोटे मोटे काम तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो ये फ्लाइट स्लीव है जो मैं इस पर लगा के इस पर वायर लगाने वाला हूँ। देख सकते हो आप, ये हमारा इस तरह से मैं लगा है। चलो इस पर वायर लगा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने वायर कुछ इस तरह से इस पर प्लेट दिया है। इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता, आप कहीं से भी इसको वोल्टेज दे सकते हो कैसे भी, इसका कोई माइनस प्लस नहीं है। ये नाइक्रोम वायर मैंने इस पर लगा दिया, इस तरह से आप लगा सकते हो। चलो मैं इसका थोड़ा वायरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से इसको बना लेना। मैं तो ऐसे आपको प्रोजेक्ट में ये दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सक्सेस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बहुत ही परफेक्ट वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं अभी अपने घर में छोटे काम करूँगा जो इसी से करूँगा, छोटी वायर करूँगा, सोल्डरिंग करूँगा इसी से करूँगा। ये मुझे छोटा बनाना था इसलिए मैं सोचा इसका एक वीडियो भी बना दूँ। देख सकते हो हमने ये कुछ इस तरह से 5 स्लू लगा के इस पर वायर लगा के इसको टेपिंग कर दिया है। इस तरह से बना सकते हो आप इसको, 3 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक आराम से चला सकते हो इस। देख सकते हो आप, ये मैंने छोटे छोटे 2 वायर निकाली है। ये हमें इस पर डीसी वोल्ट देना है, 5 वोल्ट या 4 वोल्ट या 6 वोल्ट, कितना भी दे सकते हो। चलो मैं एक, मेरे पास दोस्तों बैटरी नहीं है, ये बैटरी बहुत ही कमज़ोर है, तो मैं इसको वोल्टेज सेम है दोस्तों, इसके एमएच बढ़ा दिए हैं मैंने। ये 1000 एमएच की बैटरी लगा के इसको 2200 एमएच की कुछ बैटरी बना दी है दोस्तों। इसका 4 वोल्ट ही है, लेकिन ये एमएच इसके बढ़ चुके हैं, आप इसको एमएच बढ़ा सकते हो। आप इसको सेल से देना दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा, वर्क करेगा, एक सेल के अंदर ये अच्छे से काम करेगा आपका। दोस्तों इसके एमएच इतने हो गए कि इसको लगाते इसमें धुआं निकलने लग जाएगा, ये एक मिनट के लिए निकलेगा दोस्तों ये धुआं। ये हमारा हिट हो चुका है, देख सकते हो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो मैं इससे कुछ आपको वायर निकाल के दिखा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छे से छोटी वायरिंग आराम से इसे कर सकते हो इजीली आप, बिना कोई प्रॉब्लम के। ये दोस्तों धुआं तो सिर्फ एक बार निकाल रहा है बस ऐसे ही, ये प्रॉब्लम एक कर चलेगी फिर नहीं चलेगी। देख सकते हो आप, मैंने इस तरह से ये वायर कर लिया। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।